सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मेरी ड्राइंग पेंसिल्स बताने वाला हूँ। मैं तो कौन कौन सी ड्राइंग पेंसिल्स यूज़ करता हूँ ये सब रखी आपको दिख रही होंगी, और इनमें से कौन कौन से ब्रांड्स की मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ और कौन सी मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना। तो इनमें से मोस्टली तो मेरे पास स्टूडेंट क्वालिटी की है और एक है आर्टिस्ट क्वालिटी की, वही आपको बता दूंगा कौन सी स्टूडेंट क्वालिटी की कौन कौन सी है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो मेरी डिटेल्स चलते आपको अच्छे से बताता हूँ मैं। तो गाइस, ये मेरी पेंसिल्स जो मैंने आपको बताया था। तो स्टार्ट करते हैं ये डॉम्स की पेंसिल से। तो ये डॉम्स की ड्राइंग पेंसिल्स, आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा कि डॉम्स की भी ड्राइंग पेंसिल्स आती हैं, तो आप देख लें कि डॉम्स की आप ले सकते हैं। तो ये कुछ 6 पेंसिल्स आती हैं इस सेट में, और इधर एक रेजर भी आती है जो मैंने यूज़ कर ली है। तो इसमें ग्रेड्स होते हैं HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B, और इसकी प्राइस है अराउंड 40 रुपीज़। और ये अगर बात करें वर्थ बाइंग है कि नहीं, तो ज़रूर वर्थ बाइंग है। अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप ले लेना, ज़रूर ले लेना, वर्थ बाइंग बहुत है। तो इसका डिटेल रिव्यू के लिए तो मैं अलग अलग वीडियोस बना दूंगा हर पेंसिल के लिए, नहीं तो इसमें दूंगा तो बहुत लंबी जाएगी वीडियो। तो आप दूसरी पेंसिल की बात करते हैं, तो ये है फैबर कैस्टल की 9000 पेंसिल, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक ही एक्सपेंसिव पेंसिल का सेट है, तो वो यही पेंसिल है। तो इसकी प्राइस है अराउंड 350 रुपीज़। तो और इसमें 6 पेंसिल मिल जाती हैं, अराउंड 60 रुपीज़ की 1 पेंसिल पड़ गई है। और इसमें ग्रेड्स होते हैं HB, B, 2B, 4B, 6B एंड 8B। ये इतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती हैं, लेकिन आप सोच होंगे कि एक्सपेंसिव क्यों है फिर अगर इसमें डार्क ही नहीं होती तो क्योंकि ये बहुत स्मूथ होती हैं, और इसकी वुड की क्वालिटी और ओवरऑल पूरी पेंसिल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव पेंसिल से इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो वैसे ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है अगर स्टेडलर वगैरह से कंपेयर करें तो, क्योंकि स्टेडलर की अराउंड 600 रुपीज़ की 6 पेंसिल आती हैं, डेट इज़ 100 रुपीज़ की 1 पेंसिल, तो उससे तो काफ़ी चीपर है। और स्टेडलर की अभी मैं अफोर्ड भी नहीं सकता, इसलिए मैंने अभी बोली नहीं। तो ये अगर बात करें वॉथ वाइंग है कि नहीं, क्योंकि एक्सपेंसिव है, तो ज़रूर वॉथ वाइंग है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो मत बाय करना इसे, एक चीपर पेंसिल से ही ड्रॉ करिए अभी। और तीसरी पेंसिल की बात करें तो ये है कैनन की ड्राइंग पेंसिल, जिसको मैंने थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया, थोड़ा ख़त्म भी हो चुकी हैं, तो मेरे पास अभी इतनी कुछ इतनी 4 बची हैं। तो इसमें भी आपको HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B पेंसिल मिल जाती हैं, और इसकी प्राइस है अराउंड 50 रुपीज़। तो बात करें ये वॉच बैंक है कि नहीं, तो मुझे ये इतनी ज़्यादा वॉच बैंक नहीं लगी, क्योंकि इसकी जो 10B क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा डार्क भी नहीं होती और आराम से टूट भी जाती है, और इसलिए मुझे ज़्यादा और भी थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है इसमें, तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा वॉच बैंक नहीं लगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए ख़रीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, मैं भी जो पढ़ी है मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लेता हूँ कोई कोई। और अब बात करते हैं माय अदर फेवरेट पेंसिल की, जो कि ये है आर्ट लाइन की पेंसिल। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पेंसिल है, आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों को यूज़ करते देखा होगा, आप भी शायद यूज़ करते होंगे इन पेंसिल्स को। तो इसके बारे में तो बताना थोड़ा टाइम, इसके बारे में ज़्यादा क्या ही बताना, सबको ही पता है। तो इसमें बताए तो फिर भी इसमें ग्रेड्स होते हैं HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B, और इसकी प्राइस जो भी चीप पेंसिल है वो सबसे ज़्यादा यही प्राइस इसी की प्राइस है, जो कि इसकी है 70 रुपीज़ की 6 पेंसिल मिल जाती है, अराउंड 12 रुपीज़ की पर पेंसिल पड़ी आपको। तो फिर बात करें कि वॉच बैंक है कि नहीं, क्यों तो ये वॉच बैंक है, अगर आपको मिल रही है तो आप ख़रीद लें इसे, क्योंकि इसकी क्वालिटी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 10B की बात करें, 10B बहुत ज़्यादा डार्क है, आराम से आप डार्क शेड्स आप कर सकते हैं उससे। और बाकी वुड की क्वालिटी की बात करें, वुड की क्वालिटी बहुत अच्छी है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि आप अगर आप दूसरे कैमरे को देखें तो उसकी वुड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसकी लेड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही कम परसेंटेज पे इसका लेड ब्रेकेज होता है, और वुड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको मिल रही है तो जरूर बाय कर लें। और अब बात करते हैं ये इसकी फेवर क्रिस्टल की पेंसिल्स की। तो फेवर क्रिस्टल जो आपको दिवाली दिखाई थी,
ये सर्वर क्रिस्टल 9000 जो कि इंटरनेशनल सर्वर क्रिस्टल की, और ये जो है ये है इंडियन सर्वर क्रिस्टल की। तो आपको बता दूँ कि इंडियन सर्वर क्रिस्टल जो है इतने अच्छे मटेरियल्स नहीं बनाती है। तो फिर और इसकी प्राइस आपको बता दूँ तो इसकी प्राइस है 40 रुपीज़ अराउंड। इसमें भी आपको 6 पेंसिल मिल जाती हैं, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड 8B। इसमें आपको HB नहीं मिलती है और ना ही B मिलती है। इसकी ये पेंसिल भी 4 ही अच्छी है मेरे पास, इन्हें मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लेता हूँ अब, क्योंकि तो मुझे पोर्ट्रेट ड्रॉ करना इससे ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए। और इसकी जो 8B है वो भी इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, और थोड़ी बहुत लेट ब्रेकेज भी होती है इसमें। तो वॉच बैंग है कि नहीं अगर बात करूँ तो, वॉच बैंग ये अगर आप इसे खरीद रहे हो तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इसकी जगह डॉम्स की खरीदें, क्योंकि दोनों की प्राइस रेंज सेम है। इसकी 40 रुपीज़ है, इसकी 40 रुपीज़ है, लेकिन आपको क्वालिटी इसमें ज़्यादा अच्छी मिलेगी डॉम्स की। तो आप डॉम्स की जरूर बाय करें, फेयर क्रिस्टल की अगर इन दोनों की मिल रही है पेंसिल तो आप डॉम्स की बाय करें, फेयर क्रिस्टल की मत करें। अगर डॉम्स की नहीं मिल रही तो आप फेयर क्रिस्टल खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये चारकोल पेंसिल्स की। तो जो अब तक मैं दिखाई थी वो सब आप ग्रेफाइट पेंसिल थी, और अब ये चारकोल पेंसिल, मैं कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो ये आपको कैमलिन के 3 ग्रेड्स मिल जाती हैं चारकोल पेंसिल की, जो कि है हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम। तो हार्ड और मीडियम तो इतने काम नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने वो बाय नहीं करे, मैं सॉफ्ट ही बाय कर लेता हूँ। तो ये 10 पेंसिल्स का पैक है, तो जिसमें होती है कैमलिन की 10 सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स। इसमें मैं 5 यूज़ कर लिए और 5 बची हैं। तो इसकी प्राइस है अराउंड 150 रुपीज़। आपको 150 रुपीज़ की 10 पेंसिल्स मिल जाती हैं, दैट इज़ अराउंड 15 रुपीज़ फॉर 1 पेंसिल। तो अगर बात करिए वॉच बैंग है कि नहीं, तो ये वॉच बैंग है, और ये है आर्ट लाइन की 10B पेंसिल। मैं मोस्टली आर्ट लाइन पेंसिल यूज़ करता हूँ, तो मैंने 10B का अलग से बॉक्स बाय कर लिया, क्योंकि उसमें 10B जो हाई ग्रेड्स की पेंसिल्स होती हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, और 10B तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने 10B का पूरा बॉक्स बाय कर लिया। इसमें सिर्फ 10B है, 10 पेंसिल्स, 10B की 10 पेंसिल्स हैं। आपको दिखाया था एक बार, इसमें 7 मैंने यूज़ भी कर लिया, 3 बची है बस। तो इसकी प्राइस है अराउंड 120 रुपीज़, अराउंड 12 रुपीज़ की 1 पेंसिल, आपको बताया था मैंने पहले भी। तो ये अगर बात करें वॉच बैंग है कि नहीं, तो आपको आर्ट लाइन पेंसिल में बता ही दिया मैंने कि वो वॉच बैंग है, तो यही वॉच बैंग होगी ऑब्वियसली। तो अगर आपके 10B की चाहिए अलग से, तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं डार्क ग्रेड्स की। तो यार ये है मेरे कुछ पेंसिल्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स में। तो इनमें से अगर आपको जो पेंसिल अच्छी लगे वो आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा देना, फिर नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे आपको। तो हर एक दो दिन में आप नई वीडियो लाता रहता हूँ मैं, तो देखते रहना, और अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स का शेयर करिए वीडियो, उनको भी पता चलना चाहिए इन पेंसिल्स के बारे में। और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।